हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर ये गिवन फिगर है और इनके हमें एंगल्स के नाम लिखने हैं जैसे ही रफ डायग्राम इस टाइप से मैं बना रही हूं ए ओ बी इस एंगल को हम क्या लिखेंगे एंगल ए ओ बी इसी टाइप से हमें इस फिगर को देख के लिखना है एंगल ए वन एंगल बी टू एंगल सी थ्री एंगल डी फोर ये मैंने नाम लिखती है अब एंगल वन एंगल डी ए बी या इसी को हम एंगल बी ए डी आप एंगल डी ए बी भी लिख सकते हो और बी ए डी भी लिख सकते हो लेकिन ये ध्यान रहे इसमें ए बीच में आएगा जैसे हम एंगल टू को लिखें, एंगल टू को ए बी सी एंगल ए बी सी एंगल टू को हम जब लिख रहे हैं तो बी जो है वो बीच में आना चाहिए पॉइंट एंगल वन में ए पॉइंट बीच में आएगा एंगल टू में बी पॉइंट बीच में आएगा एंगल थ्री में सी पॉइंट बीच में आएगा इसको हम बी सी डी भी लिख सकते हैं सी भी लिख सकते हैं तो एंगल बी सी डी एंगल फोर एंगल फोर में हम सी डी ए भी लिख सकते हैं ए डी सी भी लिख सकते हैं एंगल सी डी ए तो ये चारों एंगल हैं। तो एंगल्स गिवन इन फिगर आर मैंने यहां क्रम से लिख दिया है एंगल डी ए बी एंगल ए बी सी एंगल बी सी डी एंगल सी डी ए ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर टू इन द गिव डायग्राम नेम द पॉइंट क्वेश्चन नंबर टू में फिगर गिविन है और यहाँ स्टेटमेंट लिखे हुए इन स्टेटमेंट को पढ़ के हमें आंसर देने हैं इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ पहले देखेंगे एंगल डी ओ कहा है डी ओ इस एंगल के अंदर कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है ए ये पॉइंट दिखाई दे रहा है तो हम लिख देंगे ए इज द पॉइंट इंटेरियर एंगल डी ओ इंटेरियर का मतलब एंगल के अंदर वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है बी पार्ट इन द एक्सटेरियर ऑफ एंगल ईओ एफ तो ई पॉइंट ई ओ एफ इस एंगल के आउट साइड में हम पॉइंट देखेंगे इसके आउट साइड में पॉइंट कौन सा दिखाई दे रहा है एक तो सी दिखाई दे रहा है हमें एक ए पॉइंट भी है और एक डी पॉइंट भी है तो हम लिखते हैं सी मा ए कॉमर डी आर द पॉइंट लाइंग इन द एक्सटीरियर ईओ एफ का मतलब इस एंगल के आउटसाइड बाहर की तरफ सी ऑन ईओ एफ पे देखेंगे एंगल ईओ पर देखेंगे कौन सा पॉइंट ई ओ एफ ईओ एफ पर पॉइंट कौन सा दिखाई दे रहा है बी तो हम लिख देंगे बी इज द पॉइंट लाइंग ऑन ईओ एफ क्वेश्चन नंबर थर्ड Draw rough diagrams of two angles such that they have हमें रफ डायग्राम बनाने ऑफ टू एंगल्स के और कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है वन पॉइंट इन कॉमन वन पॉइंट क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए तो ये फिगर है हम इस एंगल को इस टाइप से भी लिख सकते हैं हमने ये ओ पॉइंट ले लिया इसको हमने एंगल ए मान लिया ये बी हो गया ये पॉइंट हमने सी मान लिया तो इसमें टू एंगल्स में क्या कॉमन है एंगल ओ बी एंड एंगल बी ओ सी कॉमन पॉइंट यहाँ पर क्या है ओ आप इस टाइप से चाहे तो इस टाइप से फिगर बना सकते हो इस टाइप से चाहे तो आप इस टाइप से फिगर बना सकते हो इसमें भी ओ पॉइंट कॉमन है इस फिगर में हमने एंगल लिए ए सी एंड बी डी ये हमने टू एंगल्स लिए हैं और ओ कॉमन है बी पार्ट टू पॉइंट इन कॉमन टू पॉइंट कॉमन होने चाहिए टू एंगल्स हैं एंगल एओवी एंड बी ओसी इसमें दो पॉइंट जो कॉमन है वो है ओ पॉइंट एंड बी पॉइंट एंगल एओवी में कौन से पॉइंट यूज हो रहे हैं ए पॉइंट यूज हो रहा है ओ पॉइंट यूज हो रहा है बी पॉइंट यूज हो रहा है और एंगल बी ओ सी में बी पॉइंट यूज हो रहा है ओ पॉइंट यूज हो रहा है सी पॉइंट यूज हो रहा है तो कॉमन पॉइंट कौन कौन से हो गए एक तो ओ पॉइंट कॉमन है एक बी पॉइंट कॉमन है तो कॉमन पॉइंट है कॉमन पॉइंट ओ एंड बी तो हम लिख देंगे ओ एंड बी आर द कॉमन पॉइंट इन एंगल ए बी एंड बी ओ सी सी थ्री पॉइंट इन कॉमन थ्री पॉइंट कॉमन होने चाहिए इसमें तीन पॉइंट क्या कॉमन दिखाई दे रहे हैं एक ओ पॉइंट डी पॉइंट एंड बी पॉइंट जब हम एंगल एओ बी पर लेंगे एंगल ए ओ बी पर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं ए पॉइंट आ रहा है ओ पॉइंट आ रहा है डी पॉइंट आ रहा है बी पॉइंट आ रहा है एंगल बी ओ सी पर बी पॉइंट है डी पॉइंट है ओ पॉइंट है और सी पॉइंट है कॉमन पॉइंट क्या दिखाई दे रहे हैं ओ डी एंड बी कॉमन पॉइंट ओ डी बी तो हम लिख देंगे ओ डी बी ओ डी एंड बी आर कॉमन पॉइंट इन एंगल ए बी एंड ओ सी डी पार्ट फोर पॉइंट इन कॉमन फोर पॉइंट इन कॉमन यहां पर टू एंगल है एक एंगल बी एंड सेकेंड एंगल है बी सी एंगल ए ओ बी इसमें कॉमन पॉइंट है ए ओ डी ई बी एंगल बी ओ सी पर कितने पॉइंट है बी पॉइंट ई पॉइंट डी पॉइंट ओ पॉइंट कॉमन क्या है एक तो ओ पॉइंट कॉमन है डी पॉइंट कॉमन है ई पॉइंट कॉमन है और बी पॉइंट कॉमन है कॉमन पॉइंट्स ओ d e b selecting O, D, e and b are the common points in angle aob and boc thank you have a nice day